हेलो एवरीवन, आज मैं थोड़े नाल शेयर करूंगी ऑरेंज कुकीज। ये कुकीज़ आप अवन च भी रेडी करांगे ते विदाउट अवन भी रेडी करांगे। 1/4 कप आप देसी घ्यो दलिए, 1/2 कप आप पाउडर शुगर द लवेंगे। इसनों अच्छी तरह मिक्स करांगे। एक कप आप मैदा पावांगे, इसनों आप छान लेना। 1/4 टेबलस्पून बेकिंग सोडा पावांगे, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर पावांगे। इसनों अच्छी तरह मिक्स कर लेना। ¼ टेबलस्पून आप ऑरेंज एसेंस पावांगे, 3 टेबलस्पून ऑरेंज जूस पावांगे। इसनों अच्छी तरह मिक्स करांगे। एक डो की फॉर्म च आप लेके आवांगे। अपना मिक्सचर एक डो की फॉर्म च रेडी हो गया। हुण आपां बिस्किट रेडी करन लई मिक्सचर लवांगे। कुकीज दी शेप दे के आपां इस दे सेंटर विच चेरी लगाती है। कुकीज़ रेडी करन लई मैं एक कढ़ाई ली है, इस विच एक स्टैंड रखे। इसनों मैं पहला ही 5 मिनट पहला गर्म कर लिया। हुण आपां इस विच अपनी जिस प्लेट विच कुकीज़ रखी ने वो इस विच रखांगे। स्टैंड उपर प्लेट रख के आपां इसनों उपरों कवर कर देंगे। कवर करके लो फ्लेम ते आपां 10 तो 15 मिनट लई पकावांगे। ये वाली कुकीज़ मैं बेकिंग ट्रे च रख लिया ते हुण मैं तुहानूं ओवन च रेडी करके दिखाऊंगी। ओवन नूं आपां पहलां ही 5 मिनट ऑन कर लिया। इसनों 180 डिग्री टैंपरेचर ते आपां 10 तो 12 मिनट लई पकावांगे। अपनी ऑरेंज कुकीज़ रेडी हो चुकी ने। तुसी देख सकते हो बहुत क्रिस्पी ने। तुसी देखो मैं थोनों तोड़ के दिखाउनी है कितनी क्रिस्प कुकीज़ अपनी रेडी हुई ने। तुसी मैनू कमेंट करके दस्यो कि थोनों मेरी विदाउट ओवन कुकीज़ की रेसिपी किवें दी लगी। अच्छी लगी तो फैमिली फ्रेंड्स विच शेयर करो तो मेरे चैनल नू सबसक्राइब करो।